महाराष्ट्र राज्य में रहने वाली एक लड़की की बड़ी बेरहमी से हत्या की जाती है। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि किसी ने इतनी बेरहमी के साथ उसका कत्ल कर दिया? सावधान महाराष्ट्र फाइट बैक नाउ में मैं श्रेयस तळपदे आप सभी का स्वागत करता हूं। सावधान महाराष्ट्र फाइट बैक नाउ एक जरिया है जिसके थ्रू हम चाहते हैं कि पूरा महाराष्ट्र एक साथ जुर्म के खिलाफ खड़ा हो जाए, ताकि हमारा स्टेट एक क्राइम फ्री स्टेट बन जाए, क्योंकि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। आज की यह घटना हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या वाकई में किसी पर भरोसा किया जा सकता है। एक लड़की का बहुत ही दर्दनाक तरीके से कत्ल किया जाता है और फिर उसकी लाश को किसी सुनसान जगह में फेंक दिया जाता है। आखिर किसने किया यह घिनौना अपराध और क्यों? क्या वो अपराधी सलाखों के पीछे है? और कौन थी वो लड़की जो इस अपराध का शिकार बनी? इन सारे प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए हम आपके सामने ला रहे हैं महाराष्ट्र की ये संवेदनशील घटना। तू दो कौड़ी का रिक्शा वाला और मेरी इज्जत पे हाथ डालेगा? हाँ, मेरी इज्जत पे? मुझे दिखाता हूं मैं क्या चीज हूं। चल ये फोन। नहीं, मेरा रिक्शा। तेरा नसीब अच्छा है तो मैंने तेरा आज रिक्शा तोड़ा है। अगली बार अगर तू अपनी औकात भूला ना तो तुझे तोड़ूंगा। रातों रात इस शहर से हवा हो जा, नहीं तो मैं क्या करूंगा ना ये मैं भी नहीं जानता। तू अभी तक किधर है? अरे चल चल चल। शीतल ऐसे नहीं रोते, देख मिया है ना, तू चिंता मत कर, मैं तेरे भाव से बात करूंगी। वही नहीं, भाव को समझाने का कोई फायदा नहीं है। अरे वो कभी समझने नहीं वाले, एक तो वो हमेशा गर्म दिमाग रहते हैं और उसको क्या समझने वाला है प्यार प्यार की बातें। अगर वो जिद्दी है ना तो मैं भी उनकी बहन, और आप जाके उनको बोल देना कि शादी करूंगी ना मैं तो सिर्फ और सिर्फ मनोज के साथ। अरे ये थमूरे, तेरे को यहां से उठने के लिए बोला था ना, तू यहां कैसे? हाँ अभी अगर एक आवाज दूंगा ना तो यहाँ पे 100 ऑटो वाले जमा हो जाएंगे। अब फिर कभी यहाँ दिखा तो इस दुनिया में नहीं दिखेगा, सोच लेना, याद रखना बात को, समझा? चलो साले, ये सब उसी छवि की वजह से हुआ है ना। देख बड़े खतरनाक लोग हैं वो, और उनके यहाँ पे तूने डाका डाला है। भूल जा उसे, वरना एक दिन तू भी मरेगा और साथ में हमें भी मरवाएगा। अबे आशिकी छोड़ दे ये और काम धंधे पे लग जा और अच्छे पैसे कमा।
यार हम रिक्शा वाले हुए तो क्या हुआ, हम इंसान नहीं है क्या? मैं भी तो वो क्या, हाँ इमोशन तो होते हैं, पर मैंने तू भी ना एक नंबर का गोचू है। अरे इन लड़की लोगों के चक्कर में ना ज्यादा सीरियस नहीं होने का। अब मुझे देख, माधुरी, पूजा, सपना, सबको सेट करके रखा है, एक साथ इतनी जगह मुंह मारता हूं, अगर आज तक पकड़ा नहीं गया हूं। यार तू भी जरा दिमाग लगा, दिल को ठंडे में रख, भूल जा उस छवि को। अभी लड़कियों की कमी है क्या दुनिया में? एक गई तो दूसरी आएगी, सही बोला ना बोल? देख जान है और जहान है। देख रे दीपिया, तू मेरा दोस्त है और तूने अभी अभी मुझे बचाया है, इसलिए तेरी ये सारी बातें ना सुन के ले रहा हूं। अरे तूने 50 जगह मुंह मारा होगा, पर मैं ऐसा नहीं हूं रे, मैं शीतल से प्यार करता हूं, सच्चा वाला, और वो भी मुझसे करती है, समझ लो। देख अगर ऐसे होता ना तो घर में बैठ के अंडे नहीं उबालती, यहां होती तेरे साथ। मनु, मनु हम इसी वक्त लगन कर लेते। अरे लेकिन 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 कुछ नहीं प्लीज, हमारे पास टाइम नहीं है और वैसे भी हम दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे सारे लड़कियों के अधिकार पता है, हमें अभी इसी वक्त चलना चाहिए। तू दरवाजा बंद कर जल्दी। आने से पहले फोन किया होता, कहीं सांगित लेता। कैसे करती मैं फोन, भाई ने मेरा फोन ही तोड़ दिया। तुम चलो। चल चल। वैनी, क्या बात है बॉस, मतलब तुम तो बहुत जिगर वाली निकली, बिल्कुल मेरी माफी का। हाँ वरना ये देखो अपना मनिया, हर बात पे छोकरी की माफी घबरा जाता है, नहीं तो इसको हिम्मत देता हूँ, अब अपना स्वभाव कुछ ऐसा है। अरे हो घर ही फोन लाओ, जानता हूँ कि तेरे भाऊ को अपने से प्रॉब्लम है, लेकिन तेरी वहनी तो अपनी बहुत अच्छी दोस्त है ना, घर ही फोन लाओ और सांग अपन ने लॉगिन कर लिया है ना। साहब दवाई। नाक कापलं, नाक कापलं, खानदान की इज्जत को बट्टा लगा दिया, अब तो उनके खून से ही उसे धोऊंगा। वो रिक्शा वाला वो गया गुजरा था ही, लेकिन ये अपनी शीतल, उसे क्या हुआ? उसने तो मुझे कई मुंह दिखाने लायक भी नहीं रखा। पहले तो मैं उसे काटूंगा, मैंने कौन सा पाप किया था जो ऐसी बहन मेरे नसीब में आ गई। आहो, तुम्ही ना जरा सबूरी ने घ्या, शीतल अब बड़ी हो गई है और ऐसे वक्त में कायदा और पुलिस उसके तरफ होंगे। कायदा और पुलिस तुम्हारे कायदा और पुलिस मेरी गई हुई इज्जत मुझे वापस ला कर देंगे। देंगे क्या? नहीं ना। अरे 56 इंच का सीना लेकर मैं इस कोल्हापुर में घूमता था, लेकिन अब उसकी वजह से मुझे गर्दन नीचे झुकाकर घर के पिछवाड़े से जाना पड़ेगा, नहीं छोड़ूंगा मैं उसे, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। मेरी बहन है फिर भी उसे नहीं छोड़ूंगा। आज नहीं तो कल मैं सबक सिखा कर रहूंगा।
कानून की नजर में ना तो प्यार करना गुनाह है और ना ही अपनी मर्जी से शादी करना। हाँ, लेकिन हमारे समाज में हैसियत के नाम पे इसे गुनाह मान लिया जाता है। पर क्या किसी भाई की नजर में यह गुनाह इतना संगीन हो सकता है कि वो अपनी इकलौती बहन के साथ नफरत करने लग जाए? अगर हमारे आसपास किसी भी परिवार में इस तरीके की परिस्थिति पैदा होती है तो मैं कहूंगा कि सारे परिवार वालों को एक साथ आकर शांति से समझ बूझ के इसका हल निकालना चाहिए। पर इस वक्त मुकेश अपने गुस्से की वजह से इस परिस्थिति को संभालने में नाकाम रहा। शीतल ने जो किया उसे बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन शीतल और मनोज एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश थे। अबे चल ना, बता तेरे को कौन सा मोबाइल चाहिए। अरे मेरे को नहीं रे, तेरी वहिनी के लिए चाहिए। हाय हाय, आशिकी जोर मार रही है। अरे चल ठीक है, बता कौन सा चाहिए। अरे मेरे को इतना मोबाइल का पता होता तो तेरे को काहे को साथ में लाता। हाँ ये तो सही है। देख शीतल वहिनी, तेरे जैसा ऐसा वैसा मोबाइल तो वापरती नहीं होगी, वो तो महंगा वाला फोन वापरेगी, है ना? अरे बहुत महंगा था उसका मोबाइल, वो ये इसके जैसा था। हाँ मुझे लगा ही था, बहुत महंगा मोबाइल है वो, कम से कम 50,000 डालना पड़ेगा। 50,000? अरे आप काहे पन्ना को फेंको, 50,000 का मोबाइल होता है क्या? ना इतना माल अगर डाला तो सेकंड हैंड ऑटो आ जाएगा रे। नहीं नहीं, उसमें क्या सोने के बटन लगे? अरे मेरे मोबाइल से देख, इसमें कॉल किया तो इसमें भी फोन आता है, तो उसमें भी फोन आता ही होगा ना। खाली ना मिट्टी साला, रिक्शा वाला ही रहेगा, सुधरेगा नहीं। अबे साले, प्यार की इतनी बड़ी बड़ी ठेक रहा था, अब क्या हुआ, शादी होते ही फुर। देख तूने एक नंबर का घोचू है, इतनी सुंदर बीवी अगर मेरी होती ना तो मैं 50,000 का मोबाइल ऐसे उसके सामने रखता और बोलता कि इसी से मेरे को रोज फोन कर और मुझसे पूछ खाना खाए क्या, कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो, कब आओगे। लेकिन तुम ना, अच्छा चल ठीक है, तेरे से नहीं होता ना इतना महंगा मोबाइल, कोई बात नहीं मैं खरीद के देता हूँ। ऐसे कैसे, मैं देगा ना, मैं देगा उसको 50,000 का मोबाइल। अरे पापा अली अली वहिनी, पहचानो मनोज ने आपके लिए क्या लाया, शादी का पहला गिफ्ट। नहीं पहचाना? कोई बात नहीं, जी देखो इसमें सारे ऐप्स हैं और मैंने खुद को भी ऐड कर दिया है, अब हम लोग रोज चैटिंग करेंगे। अरे मनोज थैंक यू सो मच, लेकिन इतना महंगा फोन देने की क्या जरूरत थी? अरे येड़ी जालिस की क्या है, तुम्हारी खुशी से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। हाँ ये बात तो सही है, वहिनी की खुशी मतलब। दीपक थैंक यू, बरका तेरी बहुत हेल्प हुई। चल फिर कल मिलते हैं अपन। हाँ 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 मिलते हैं, कल मिलते हैं, परसों मिलते हैं, रोज मिलते हैं। मैं क्या कह रहा था जानू, तुम जब हंसती हो ना बहुत मस्त दिखती हो। मैं सोच रहा था कि आज रात का खाना मैं वहिनी के हाथ का ही खा के जाऊं। ये तो जाए चाहिए जाना, मतलब हमको थोड़ा प्राइवेट टाइम तो दे। ओ लेकिन मनोज, दीपक भाऊ ठीक ही तो बोल रहे, आज रात का खाना हम इनके घर पे खाएंगे, क्यों? हो हो, मुझे इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आज रात को आप दोनों मेरे घर पे आ रहे हो। अरे तुम लोग ये खाते क्यों नहीं, खाओ ना। अरे ये तो कुछ भी नहीं, रात को जो मैंने जोक भेजा था वो तो एकदम मस्त था, पढ़ा तुमने? बहुत मस्त था। मेरे को बताओ इसमें जोक भी आता है? अरे बाबा जोक के साथ साथ हम लोग फोटोज भी खींच सकते। हाँ? अब हम लोग खींचते कसम, तुम खाना छोड़ दो बस। अच्छा चांग मला। हाँ मनोज तुम्हारा दोस्त बहुत अच्छा है। हाँ
तुम तो उसी की तारीफ करो, माझा मजे तो शिंगल लागले, मैं तो बहुत ही बुरा। अरे बाबा ऐसी बात नहीं है, पर जब तुम ऐसे गुस्सा होते हो ना तो बहुत ज्यादा क्यों? अरे बाबा क्यों दिखते हो? चल अंदर, थोड़ी मस्ती थोड़ी गम्मत करूँ या चल चल। सो जाओ, रात के 2 बज रहे हैं, अरे इससे कल खेल लेना। अगर थोड़ा आइक मार सर, ये किस लिए? गुड न्यूज है, मुझे नौकरी मिल गई। क्या नौकरी मिल गई? लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? मेरा मतलब मैं तो इतने पैसे कमा ही रहा हूं, फिर तुम्हें नौकरी करने की क्या जरूरत? अब तुम्हारे भाऊ बोलेंगे कि मैं तुम्हारा ख्याल भी नहीं रख सकता। अरे बाबा मानती हूँ, पर इसमें बुराई क्या है? और वैसे भी मैं घर पे बैठे बैठे बहुत बोर हो जाती हूँ, और बाहर जाके नौकरी करूंगी तो 4 पैसे लाऊंगी ना, और इसे हमारा ही स्टेटस अच्छा होगा। क्यों? हाय शेठ, अंदा पानी कसा चाललाय? राम राम साहेब। राम 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 राम। शीतल, दिन भर मोबाइल में मत लगी रहा करो। अरे अब वेर निकाल के घर पे ध्यान दो। सॉरी, मैं तो बस यूं ही। अच्छा तुम बैठो, मैं खाना लाती हूँ। खाना लगाती हूँ? शीतल बस झालं, जो पता हो, बस 10 मिनट। 10 मिनट करते करते रात के 2:15 हो गए हैं, और इसकी आवाज के कारण मुझे नींद भी नहीं आ रही है। प्लीज जो देखो, इसको बंद कर दो और आराम करो। आराम नहीं करोगी तो बीमार पड़ जाओगी, है ना? और कल सुबह फिर हमें काम पे भी तो जाना है ना जल्दी, जो पता। हाँ मैं कहाँ पे कर रही हूँ मैसेज, मुझे ही तो आ रहे बाबा मैसेजेस। अरे तो बंद कर दो, स्विच ऑफ कर दो से। अरे नहीं नहीं, कोई इम्पोर्टेंट कॉल आ गया तो? और वैसे भी दुकान का सारा माल तो रात को ही आता है ना। हर साल इस दिन कितना कुछ करते थे ना हम, अब तो मान जाइए आप। शीतल को बुला लेते हम राखी बांधने के लिए घर पे। देखिए जैसी भी है, ये तो आपकी इकलौती बहन ना। शीला, शीतल अब इस घर में एक कदम भी नहीं रखेगी। मैं उसका थोबड़ा भी नहीं देखना चाहता। तुम्हें पता है वो एक छोटे से दुकान में मामूली सी नौकरी कर रही है। मेरी बहन, और ये सब हाल है ना उस रिक्शा वाले की वजह से उसका हुआ, और
इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो नालायक आदमी अपने मोहल्ले में आता है और उसे देखकर आजू बाजू वाले लोग मुझ पर हंसते हैं। शर्म आती है मुझे, लेकिन उसे इतनी सी भी अकल नहीं है कि कम से कम अपनी रिक्शा लेके हमारे मोहल्ले में तो ना। पास पड़ोसियों के डर से अगर उसे यहाँ पे नहीं बुलाने तो कोई बात नहीं, क्यों ना हम ही चले जाते वहां पे, राखी तो बनवानी है। प्लीज शीतल, ये क्या हालत बना के रखी है उस आदमी ने तेरी? घर में कुछ भी नहीं है। वाओ, लेकिन ये सारी चीजें लाने की क्या जरूरत थी? शायद मनोज को बिल्कुल अच्छा ना लगे। तेरे भाऊ को बड़ी मुश्किल से मना कर लाई हूँ, रख ले सामान, नहीं तो तेरे भाऊ फिर से नाराज हो जाएंगे। आइए आइए, आपके लिए भी लाया हूँ कुछ। ये लो। शीतल, मैं हाथ धो के आता हूं, तब तक तू राखी की तैयारी कर। आपकी तो कोई होगी नहीं आगे पीछे, राखी बांधने वाली या पूछताछ करने वाली? भाव, आपको कोई हक नहीं है मेरे पति से ऐसे बात करने का और उनका अपमान करने का। ये जो भी है ये मेरे पति है, और आप दोनों अगर यहाँ पे हमारी इज्जत उतारने के लिए आए होगे ना, तो इससे अच्छा आप नहीं आते। हो गई तसल्ली? चला आता। क्या हुआ? शानू ने बोला तेरे घर में बहुत सारे लोग आए हैं और तू किसी के साथ झगड़ा कर रहा है, और यहाँ पे तो वाव बाहर बड़े बड़े बक्से हैं, और ये सब किसने दिए? वो भाव लाया था। क्या बात है सकर, तू वो सारे सामान तू लेके जा, मुझे नहीं चाहिए कुछ, उसकी कोई खैरात वैरात नहीं चाहिए मुझे। और ये है ना, ये भी तू ही रख, तू ही पहने से, मुझे कुछ नहीं पहनना उसका दिया हुआ एक भी चीज, मैं नहीं पहनूंगा। बंद करो ये पिक पिक। तुम्हारा भाऊ मेरी इतनी बेइज्जती करके गया, पर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना, बस तुम और तुम्हारा मोबाइल। बंद करो इसे, इसकी आवाज के कारण माथे डोको दुखा लग ले। मछली फंस गई दीपक भाऊ।
शीतल, अरे शीतल तुम्हारा फोन बज रहा है। हाँ हाँ बजने दो, मैं देख लूंगी। चाल तो यार। हा दिखा दिखा दिखा, ये क्या देख क्या रहा है? मेरा मोबाइल तो फटाक से खुल जाता है, तेरा कहे को नहीं खुलता। अभी ये मोबाइल तेरे मोबाइल जैसा थोड़ी है, इसमें पासवर्ड होता है, वो डालने के बाद खुलता है। पर पासवर्ड कहे को? अरे यार अब लीना के, शालू के, राधिका के मैसेज आते हैं ना, उसी हिसाब वो वैसे फोटो भी सेंड करता है। अब वो फोटो क्या मैं पूरी दुनिया को दिखाऊं? सीक्रेट होता है भाई, इसके लिए पासवर्ड डालना पड़ता है। देख जिन जिन के लफड़े होते हैं ना, उनको अपने मोबाइल पे ध्यान देना पड़ता है कि कोई उनका मोबाइल लेकर उनके मैसेज ना पड़े। समझ ले? शीतल का मोबाइल भी मेरे मोबाइल के माफिक फटाक से नहीं खुलता, उसमें भी शायद पासवर्ड होएगा। छोड़ना यार, तू कैसा ला विचार कर, तू जाने दे, छोड़ छोड़। नहीं नहीं, उसका कुछ चालू है। अरे यार मैं बोला ना छोड़, क्यों सोच रहा तू इतना? उसका कुछ चालू है। अरे छोड़, मैंने कहा नहीं था, कैसे चालू है? चल बड़ा चलाओ, चलो चल। आया तो या देवा, ये सब क्या चल रहा है? बंद करो ये सब। अरे भाई तू रिक्शा चला, मेरी सेटिंग का मैसेज है। चला चला चला, उतर। मैं कहता हूँ उतर, ये ऑटो खराब है, आगे नहीं जा सकता। मैंने उसे कहा कि सीधे रास्ते से चलते हैं, वो जिद पे अड़ गया, कहने लगा नहीं शॉर्टकट से जाएंगे। आप भी ना बाबू, सच्ची में। अरे ऐसे ऐसे पड़े होते ना। अरे आ गए आप, आओ ना, मैं आपका ही तो इंतजार कर रही थी, काम से मैं जल्दी आ गई थी। गमक फोन का नहीं कैलाश? दीपक भाऊ आ गए थे और बातों बातों में तो पता ही नहीं चला। बहुत अच्छे दीपक भाऊ, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते, बहुत आसान थे। तुम बैठो तो सही, मैं आप दोनों के लिए गर्मा गर्म खाना परोसती हूँ। किससे बात करती रहती हो? कौन है वो? मतलब हर राग ये तो है, और ये पासवर्ड क्यों डाल के रखा है इसमें? मेरे काम के लोग, आपको नहीं पता। चायला आज ये पूरी परेशानी की जड़ ही खत्म कर देता हूं मैं। कोई बात नहीं बहनी, हम है ना, हम दिलाएंगे आपको मोबाइल। तुम होते कौन हो मुझे मोबाइल दिलवाने वाले? क्या क्या हुआ, किस पे चिल्ला रही हो? हाँ क्या झालक है? कुछ नहीं, ऐसे ही। सोशल नेटवर्किंग एप्स के प्रति शीतल का बढ़ता रुझान कब और कैसे इन दोनों के रिश्तों के बीच में एक दीवार बन गया? जब तक ये दोनों इस चीज को समझ पाते तब तक हालात बहुत बिगड़ चुके थे। सॉरी, शायद तुम ठीक ही कह रहे हो। ये मैसेजेस और सोशल नेटवर्किंग की ना, मुझे कुछ ज्यादा ही आदत लग गई थी।
ये तरह तरह के एप्लीकेशंस ना हम इंसान को एक दूसरे से बहुत दूर कर देते। चलो ना आज खाना खाने के लिए बाहर चलते, और तुम्हारी वो फेवरेट आइसक्रीम वो भी खाएंगे। चल अजय आज दारू ना मेरी तरफ से। क्या बात कर रहा है जियो मेरे लाल, कैसे बता सकता है किस खुशी में? वो क्या है ना, तेरी वहिनी ने मोबाइल पे मैसेज खेलना बंद कर दिया है। अरे इतना ही नहीं, अब उसको ना जाती कॉल आता है ना वो किसी को करती है। अब जब वो मेरे साथ होती है ना तो सिर्फ मेरे ही साथ होती है, और ऐसा नहीं कि उसका ध्यान मोबाइल में हो और मुझ पे नहीं। और उसको जाती दर्ज होती है ना तो मेरा फोन वापरती है। अब वो संभाल के वो क्या है ना, इस शराब का लत छूट सकता है लेकिन वो मैसेज वो सोशल नेटवर्क की इसका लत कभी नहीं जाता। तो संभाल के और ध्यान रखना। अरे किस बात का ध्यान रे? मेरे भोले राजा, जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है। देख, मेरी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी सुमन, वो अपने घर वालों से छुपा कर मोबाइल रखती थी और उसी मोबाइल से मुझसे बात करती थी। आखिरी तक घर वालों को पता नहीं चला। तो ऐसे ना हो कि शीतल बहनी के पास भी मोबाइल छुपा हो। जितना घटिया है ना उतनी घटिया तेरी सोच है। शराब का लत छूट सकता है लेकिन वो मैसेज वो सोशल नेटवर्क की इसका लत कभी नहीं जाता। तो ऐसे ना हो कि शीतल बहनी के पास भी मोबाइल छुपा हो। इस शराब का लत छूट सकता है लेकिन वो मैसेज वो सोशल नेटवर्क की इसका लत कभी नहीं जाता। अरे दीपक भाऊ तू यहाँ बैठा है? मनोज अभी भी तेरे घर पे गया है। गया होगा मुझसे माफी मांगने के लिए साला। सुंदर बीवी क्या मिल गई, घमंड आ गया उसमें, बहुत अकड़ता है, पर मैं भी उसको इतने आसानी से माफ नहीं करने वाला। जब तक अकड़ नहीं जाएगी ना तब तक अकल ठिकाने पे नहीं आएगी उसकी। अहो, शीतल का कॉल आया था, मनोज 2 दिन से घर पे नहीं आया है, काफी परेशान थी वो। आप जरा हो आओ ना, और मनोज भाऊ का भी उनका भी पता करो ना जरा।
मिल गई तसल्ली, मिल गई तसल्ली, मार डाला मेरी बीवी को। मैं दो दिन के लिए शीतल से नाराज होकर घर से क्या गया, तुमने उसकी जान ले ली। मैंने? सिर्फ मैं बचाऊ, मुझे भी मार दे, मार दे मुझे भी, मार दे। मैंने नहीं मारा इस शीतल को। झूठ बोल रहा है भाई। नहीं, ये यही चाहता था ना, ये यही चाहता था, अपने अहंकार के कारण इसने मेरी बीवी की जान ले ली। अरे शीला, मैं अपने बहन को क्यों मारूंगा? आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि मैं इसके बराबरी का नहीं हूँ। इंस्पेक्टर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। चल, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। चीत, चीत। क्या शीतल के प्रति मुकेश के मन में इतनी नफरत थी कि उसने अपनी इकलौती बहन की जान ले ली? क्या शीतल की मौत एक ऑनर किलिंग थी, या इस जघन्य अपराध के पीछे कोई और वजह छिपी हुई थी? मुकेश की गिरफ्तारी के बाद अभी इन सारे सवालों के जवाब बाहर आने बाकी थे। मैंने नहीं मारा इस शीतल को। शीला, मैंने नहीं मारा मेरी बहन को। ये नाटक कर रहा है। मैंने नहीं मारा इस शीतल को। मैंने शीतल को नहीं मारा। दीपक। ओ वैनी साहब। बस मला सांग, ये सुटकेस तुम्हारा है ना? हाँ, पर क्यों? अब कहाँ है ये सुटकेस? होगा घर के अंदर। तुम्हें पता है, ये वही सुटकेस है जिसमें शीतल की लाश पाई गई है। अरे बाप रे, हे देवा। लेकिन ये बैग तो मेरे घर पे पड़ा होगा। अच्छा, चलो दिखाओ मुझे। वैनी, वैनी सुटकेस ना आए थे, पर वैनी माझ्यावर ते डाउट नका खाओ। हमारे सुटकेस में शीतल की लाश मिली थी, बट तुम्हारे सिवा कौन ले जा सकता है उस सुटकेस को? सुटकेस? हाँ, मेरे घर की चाबी मेरे सिवा मन्ना के पास हुआ करती थी। और एक मिनट वैनी, उस दिन तू यहाँ बैठा है, मनोज अभी भी तेरे घर पे गया है। हाँ, मैंने ही मारा है शीतल को। शादी से पहले वो कितनी अच्छी थी, तुमसे दूर रहना मतलब सारी बातें यही कर लोगे क्या? लेकिन शादी के बाद, शादी के बाद वो एकदम बदल गई। दिन भर मोबाइल मैसेज मैसेज सिर्फ उसी में लगी रहती थी। रात के 2 बज रहे हैं, अरे इससे कल खेल लेना। दिन भर मोबाइल में मत लगी रहा करो। और वो क्या होता है, सोशल नेटवर्किंग साइट? मुझे तो उसका मतलब भी नहीं पता था, तो हंसती थी मुझ पे। अरे तुम मला नहीं समझ रहे, क्या थे तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम बुद्धू हो। शादीशुदा औरतें अगर दिन भर मोबाइल में लगी रहे ना, तो इसका मतलब वो अपना मुंह कहीं और काला करा रही होती है। और मैं बस इसीलिए अपने घर से निकला कि 2-3 दिन शीतल से दूर रहूंगा, तो उसे मेरी कमी महसूस होगी। और बस दीपक के यहाँ से बैग उठाया, उसमें अपने शर्ट पैंट और कुछ कपड़े रखे। उसके पास मेरी नई कोल्हापुरी जूते और मेरी शर्ट भी रखे हुए थे। मैंने वो लिया और वहां से चला गया। उसने मुझ जैसे जाहिल के साथ प्यार तो कर लिया, लेकिन शादी के बाद उसे निभाना नहीं आया। उसे मेरी गरीबी खलने लगी। अरे वो जब एक मोबाइल को लेके मुझे छोटा दिखा सकती है, तो फिर तो मैं उसके लिए कुछ भी करूं। मैं उसके काबिल नहीं बन सकता, नहीं बन सकता मैं उसके काबिल। आपको पता है, उसके किसी आशिक ने उसको एक नया मोबाइल भी लाके दिया, और उसने ये सारी बात मुझसे छुपाई, इसलिए मैंने उसे मार डाला। मार डाला मैंने उसे। पागल है तू, जिस लड़की ने तुझसे इतना प्यार किया उस पर शक किया, और वो इतनी छोटी सी वजह से
शायद गलती मेरी थी। इंस्पेक्टर साहब, एक दिन शीतल ने मुझसे कहा था कि मनोज के साथ उसका झगड़ा हुआ है और झगड़े में गुस्से में मनोज ने उसका फोन तोड़ दिया। मैंने ही उसे एक फोन खरीद के दिया था जिससे हम दोनों बात कर सके, एक दूसरे को मैसेज कर सके। दरअसल उसमें ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम नजर आ रहे थे तो वो चुपके से अपना डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि ये बात मनोज को पता चले और वो टेंशन ले, और ना ही वो अपने भाव को ये टेंशन देना चाहती थी। मुझे क्या पता मेरा ये सुझाव मेरी शीतल की जान ले लेगा। शीतल की मोबाइल ऐप्स की आदत को मनोज के दोस्त दीपक ने मनोज के सामने गलत तरीके से पेश किया। एक्चुअली शीतल ने अपना सुख भरा जीवन मनोज के लिए सैक्रिफाइस किया था, पर मनोज को उसका ये त्याग, उसका ये समर्पण नजर नहीं आया, बल्कि उसके दिमाग में शक हावी होने लग गया था। मनोज का दिमाग सोचने समझने में कमजोर था और वो अपने दोस्त के बहकावे में आ गया, और जब शक बढ़ता चला गया तो बिना सच जाने ही उसके दिमाग में आपराधिक मानसिकता विकसित होने लग गई, जिसकी वजह से उसने अपनी निर्दोष पत्नी का कत्ल कर दिया। मनोज चव्हाण को अदालत ने शीतल की हत्या का दोषी मानते हुए आईपीसी सेक्शन 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई और उसे 1,00,000 का जुर्माना भी भरना पड़ा। मनोज और शीतल की कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है, और वो ये कि बिना सच को जाने समझे प्लीज कोई ऐसा फैसला मत कीजिए जो एक बहुत बड़े अपराध का कारण बन जाए और किसी की जिंदगी चली जाए। इसलिए प्लीज पहले सच को जानिए, और अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आपका अपना आपसे कोई चीज छुपा रहा है या फिर वो कोई ऐसी चीज कर रहा है जो आपको पसंद नहीं है, तो एक दोस्त की तरह शांति से, समझदारी से उससे बात कीजिए। क्या पता आप जो सोच रहे हो वो बिल्कुल गलत हो और आपको कोई गलत रास्ता चुनने पर मजबूर कर दे। महाराष्ट्र की इस घटना के साथ मैं श्रेयस तळपदे आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे महाराष्ट्र में जुर्म की जंग की एक और सच्ची घटना के साथ। तो सावधान महाराष्ट्र, फाइट बैक नाउ। और आता बस तो सावधान है।